आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस का वेट कर रहे थे, कब से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो डेट और आपके रजिस्ट्रेशन डेट सभी आ चुकी है, अभी सीट मैट्रिक्स आना बाकी था, तो आपकी सीट मैट्रिक्स भी आ गई है। इसके बाद अभी गवर्नमेंट के लिए कितनी सीटें हैं और प्राइवेट में कितनी सीटें आपकी वैकेंट हैं, कितने रैंक तक पॉसिबल है कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा और प्राइवेट के लिए कितना रैंक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं, अपनी सीट मैट्रिक्स को चेकआउट कर लेंगे। तो स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए आपके सीट मैट्रिक्स आ गई है। देखिए, आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वे टोटल आपके यहाँ पर 22 कॉलेज हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और कितनी सीटें आपकी खाली हैं देखेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो टोटल सीट की बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, UR की सीटें हैं, EWS की कहीं कहीं पर एक एक या फिर एक दो सीटें रह गई हैं, OBC की ओपन की यहाँ पर एक एक सीटें कहीं पर देखने को मिली हैं। ठीक है, तो अभी गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो टोटल सीटें आपकी यहाँ पर दो हैं, जो कि एक आपकी SC ओपन की है और एक आपकी UR की है। ठीक है, यहाँ पर आपके शाहजहानपुर में एक ही सीटें हैं जो कि UR की बची है, जनरल की। गोरखपुर में आपकी यहाँ पर 5 सीटें हैं टोटल सीटें, जो ओपन की यहाँ पर UR की 2 सीटें हैं, EWS की 1 है और SC की 2 सीटें हैं, यहाँ पर OBC की सीट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अयोध्या में देखेंगे 1 सीट है और जो कि आपकी OBC में है। नेक्स्ट अपना देखेंगे बस्ती में, देखिए 3 सीटें हैं जहाँ पर आपको देखने को मिली है आपकी। ठीक है, टोटल सीटें आपकी यहाँ पर UR में 1 है, उसके बाद OBC की है और एक आपकी SC की रहने वाली है। तो इसी तरीके से आप अपना सारा यहाँ पर डाटा देखेंगे कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि स्टे राउंड काउंसलिंग में देखिए ज़्यादा गवर्नमेंट की सीटें नहीं होती हैं। ठीक है, हद से हद 5 सीटें देखने को मिलती हैं, इससे ज़्यादा सीटें खाली नहीं होती हैं। तो वही देखिए यहाँ पर आपको दिखा है कि 5 सीटें यहाँ पर आपकी गोरखपुर में है और 1, 2, 3, 2, 1, 2 इस तरीके से आपकी सीटें वैकेंट रही हैं। और वो भी कैटेगरी वाइज देखें तो 1 या 2 ही सीटें आपकी खाली देखने को मिली हैं। और यहाँ पर लखनऊ में देखिए आपकी 7 सीटें हैं KGMU की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं KGMU तो KGMU सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी रैंक तक आप KGMU सिलेक्ट करेंगे अभी बताएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद मेरठ में आप देखेंगे 4 सीटें खाली हैं। मेरठ का ऑप्शन अच्छा है, अगर चाहते हैं तो रख सकते हैं प्रीफ्रेंस में गवर्नमेंट में। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें, ऑलरेडी वीडियो आ चुका है किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है, तो चैनल पेज पर बता देते हैं कौन सा वीडियो देखना है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर चैनल पेज पर आ जाना है अपने, तो ये वाला वीडियो आप पूरा वॉच कर लें, इसमें ऑल प्रोसेस आपको बता दिया है किस तरीके से आपका काउंसलिंग गाइडलाइन जारी हुआ था और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था कि यहाँ पर कितना रैंक से कितने रैंक तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से कहां पर आपको जाना है। देखिए, जाना आपको लखनऊ है, ऑफलाइन तरीके से होगी, तो सभी सारी जो प्रोसेस है वो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये स्टे राउंड काउंसलिंग में देखिए अभी जो है स्टार्ट होने वाली है, तो सभी प्रोसेस अच्छे से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट में जो कि आपका देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी सारी प्राइवेट में खाली है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर लें फ्रेंड्स, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप जाएं और अपने फीमेल कैंडिडेट जो यहाँ पर कॉलेजेस हैं इसमें से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हैं तब। ठीक है, गवर्नमेंट में अगर रैंक अच्छा खासा रहा तो ट्राई कर सकते हैं। और ऑफलाइन में देखिए, ऑफलाइन में आपको जाना होगा, एक पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है आपको, गूगल वो भी दे रखा है, गूगल मैप भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं अपनी लोकेशन। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी सीटें हैं आपकी, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं बागपत से। ठीक है, आपकी टोटल सीटें काफ़ी सारी इसमें खाली हैं। आपकी बागपत की सीटें लगभग आपकी 32 सीटें हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ UR जनरल की ओपन सीट है और किसी कैटेगरी में देखने को नहीं मिली है प्राइवेट में। देखिए, अगर जाएंगे ऑफलाइन तरीके से अगर काउंसलिंग हुई तो वैसे भी ये रैंक वाइज होने वाला है, तो प्राइवेट में चांस हो सकता है कि मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइएगा और अपना काउंसलिंग करवाइए, अपनी प्रेफरेंस रखिएगा, वहाँ बताइए क्यों चाहिए कॉलेज, कौन सा कॉलेज चाहिए, सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए। चलिए, ये सीट मैट्रिक्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो अभी इसको टेलीग्राम पर पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जाइए अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कब से आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें आप वो जो वीडियो मैंने अभी दिखाया वहाँ से जाकर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है,
तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, वीडियो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और लाइक ज़रूर करना। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन आने वाली डेट जो आपकी रखी गई है उस पर्टिकुलर डेट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फ़ीस कितनी सबमिट करनी होगी सारा कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है, तो जाइए और जल्दी से वीडियो वॉच कर लीजिएगा।